जिस सूबे की कानून व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, उस सूबे में आम महिलाएं तो छोड़िए, महिला दरोगा ही महफूज नहीं है। क्योंकि राजधानी लखनऊ में जो खबर सामने आई है उसने सोचने पर मजबूर कर दिया है। खबर यह है कि बदमाशों ने बीबीडी कोतवाली में तैनात एक महिला दरोगा को जबरन गाड़ी में बैठाया, महिला दरोगा को किडनैप कर उस पर छेड़छाड़ का केस वापस लेने का दबाव बनाया। लेकिन जब महिला ने किसी तरह 112 नंबर डायल किया और उसने अपने भाई को अपने साथ हुई वारदात की जानकारी दी, तो जान से मारने की धमकी देकर आरोपी उसे बीच रास्ते में उतार कर भाग निकले। इसी खबर से जुड़ी पेपर कटिंग को शेयर करते हुए आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने योगी सरकार पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि महिला पुलिस घर में सुरक्षित नहीं है तो पूरे उत्तर प्रदेश में आम महिलाएं सुरक्षा की उम्मीद कैसे कर सकती हैं। चंद्रशेखर आजाद ने अपने ऑफिशियली हैंडल से लिखा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बीबीडी कोतवाली में तैनात महिला दरोगा को काफी समय से परेशान कर रहे शोध द्वारा पूर्व में कई बार धमकाने और न मानने पर अपने साथियों के साथ घर से लेकर जाकर बंधक बनाकर केस वापस लेने का दबाव बनाने का मामला उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा की तमाम दावों की पोल खोलने वाला है। अपने इसी पोस्ट में चंद्रशेखर आजाद सीएम योगी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान का जिक्र करते हुए आगे लिखते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ जी के राज में उत्तर प्रदेश के विफल कानून व्यवस्था को छिपाने और जनता को बरगलाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा बोला झूठ, 16 साल की बच्ची भी गहने लेकर रात 12 बजे भी उत्तर प्रदेश की सड़कों पर चल सकती है, आज नासूर बनता जा रहा है। झूठ के पांव नहीं होते, राजधानी लखनऊ में ही महिला पुलिस घर में ही सुरक्षित नहीं है तो पूरे उत्तर प्रदेश में आम महिलाएं सुरक्षा की उम्मीद कैसे कर सकती हैं। महिला दरोगा के मुताबिक 11 सितंबर की रात करीब 12 बजे घर पर दरवाजा खटखटाने पर जब वह बाहर निकली तो दो युवकों ने उसे अपहरण कर लिया। रास्ते में अपहरणकर्ता ने डरा धमका कर सादे कागजों पे हस्ताक्षर करा लिए। इसके बाद ही धमकी दी कि यदि अंशुमान पांडे के ऊपर दर्ज कराए मुकदमे को वापस नहीं लिया तो उसे और उसके परिजनों को जान से मार देंगे। इसी दौरान जब युवकों को पता चला कि महिला दरोगा ने 112 डायल कर दिया तो उसे छोड़कर भाग निकले। इस बारे में बीवीडी थाना प्रभारी अजय नारायण ने बताया कि पीड़ित महिला दरोगा की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।